अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचर पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद इकबाल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बेसिक कंसेप्ट ई कॉमर्स का क्या है, तो इसके बारे में आप जान सकेंगे। आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए। तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक कॉमर्स की एक टाइप है। इसमें हम चीज़ें खरीदते और बेचते हैं सिंपल ज़बान में, इंटरनेट यूज़ करके, एक वेबसाइट यूज़ करके घर बैठे। ई कॉमर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ई कॉमर्स इज़ नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आर इंटरनेट कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। उसके बाद टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, B2C। अब B2B क्या है? B2B को हम इतना वादे कर सकते हैं कि एक बिजनेसमैन है, उससे दूसरा बिजनेसमैन चीज़ खरीदता है। इसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि एक होलसेलर से एक दुकानदार चीज़ खरीदता है, इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर क्या है? बिजनेस टू कस्टमर जैसे एक दुकानदार से एक गांव के कस्टमर जो है वो चीज़ खरीदता है, इसको कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर। होलसेल की वेबसाइट भी मौजूद होती हैं वह, और दूसरी भी बिजनेस की वेबसाइट भी हैं। नीचे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी मौजूद है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, फॉर एग्जांपल डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर फॉर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। और बिजनेस टू कंज्यूमर B2C क्या है? द बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इज रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड द एंड ऑफ कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, द्राज, ईबे। अब मैं आप जूम करके दिखा देता हूँ आपको डेफिनेशन। ये आप देख रहे हैं, दोनों डेफिनेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद टॉप इंटरनेशनल जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? अमेजोन है, ईबे है, पहले नंबर पर अमेजोन मौजूद है, उसके बाद ईबे है, उसके बाद वॉलमार्ट है, अदराज पाकिस्तान की है, ये सेम ही है अमेजोन, लेकिन ये पाकिस्तान लेवल की है। आप इस पर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे। तो व्हाट इज़ अमेजोन? क्या है अमेजोन? क्या है, हम एक बात करेंगे आज अमेजोन। अमेजोन क्या है? अमेजोन इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड। अब बीइंग एन ऑनलाइन रिटेलर, अमेजोन अलाउज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑन इट्स वेबसाइट। इवन थ्रू अमेजोन ऑपरेट 14 वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस, डू नॉट एक्चुअली नीड टू हैव 14 डिफरेंट अकाउंट फॉर ईच US ऑन टू सेल ऑन। अब अकाउंट बनाने पड़ते हैं मुख्तलिफ। तो ये सबसे बड़ी वेबसाइट है, मिलियंस में लोग इस पर काम करते हैं, बिलियन डॉलर्स की वेबसाइट है, बिलियन डॉलर्स की बल्कि, तो बहुत बड़ी वेबसाइट है इस पर लोग। तो पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं बहुत से लोग इस पर सर्च भी कर रहे थे। तो इसकी तीन अकसाम हैं, पहला प्राइवेट लेबल। इस चीज़ में लोगों को ये तीन प्राइवेट लेबल क्या है? अमेजोन FBA होल सेल, इसके अलावा अमेजोन FBA होल सेल के साथ अमेजोन FBA एक होल सेल होता है, मीटू होता है। प्राइवेट लेबल के लिए, प्राइवेट लेबल क्या है? लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, हम प्राइवेट लेबल के बारे में बताते हैं कि प्राइवेट लेबल है क्या। प्राइवेट लेबल के लिए आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ता है, जैसा कि एक ब्रांड है नाइकी एक ब्रांड है, और उसके अलावा दूसरे ब्रांड भी मौजूद हैं। तो उनका एक ब्रांड है, उसको उस ब्रांड की कुछ दूसरा बंदा बना नहीं सकता, इसलिए आप ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, वहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपनी चीज़ बेचते हैं, वो चीज़ कोई दूसरा नहीं बेच सकता। आपकी बात जब अपनी रजिस्टर होती है चीज़, तो एक होते हैं अमेजोन FBA होलसेल। आप जो चीज़ एक बेच रहा है बंदा, चीज़ अच्छी बिक रही है, आप उसकी मैन्युफैक्चरर है खुद, आप उसके बाद जाते हैं कि आप हमें अप्रूवल दे दें, हम आपकी ये चीज़ बेचेंगे, तो वो आपको शरारत देता है। उस शरारत पे अगर आप अमल कर सकते हैं तो आपको अप्रूवल देगा। तो आप उसके अप्रूवल पे, इसकी भी दो अकसाम है, एक FBA होल सेल है
इसमें आपको लिस्टिंग करनी पड़ती है होलसेल में, चीज़ें बल्क में बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ है मी टू, आप उसकी लिस्टिंग पे ही काम कर सकते हैं, ये मी टू है। और अमेजोन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, अमेजोन शॉपिंग ड्रॉप शिपिंग है रिस्की वे है, बहुत कम यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेबल। और दूसरे नंबर पर अमेजोन एफ बी यूज़ किया जाता है, शॉपिफाई बहुत डिफरेंट, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ये रिस्की है। इससे इसकी आपको बहुत कम चाहिए होती है, बहुत कम चाहिए होता है रकम, बहुत कम चाहिए होती है आपको स्टार्ट करने के लिए। तो इससे इसमें ये होता है कि एक आप लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं अमेजोन पर, अपना अकाउंट बनाते हैं, लिस्टिंग क्रिएट करती है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आके आपको ऑर्डर करता है, आप क्या करते हैं कि जो ऑर्डर करता है अपनी एड्रेस देता है, आप उसका एड्रेस लेते हैं और दूसरी वेबसाइट से चीज़ खरीदते हैं, उसको वही एड्रेस दे देते हैं, वो चीज़ जो खरीदते हैं वो सीधा उसके एड्रेस भेज जाती है। इसमें आपको कोई अपनी चीज़ रखनी नहीं पड़ती, यार उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ये होता है, ये रिस्की इसलिए है कि वो अगर अमेजोन से कोई चीज़ उसने बाय की है तो उसको जब चीज़ पहुँचे तो वो ईबे या वॉलमार्ट की हो, वॉलमार्ट की पैकिंग में हो, तो वो शिकायत कर सकता है, इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो ये ख़तरा है। तो इंशाल्लाह आपको बेसिक कंसेप्ट ई कॉमर्स का है, अमेजोन पे ई कॉमर्स कैसे होती है इसका समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें, ताकि आप बिल्कुल फ्री इस चीज़ को समझ सकें कि हम कैसे काम करते हैं अमेजोन पे और किस तरह हम भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।